हमें भोजन की जरूरत है, तम्बाकू की नहीं। और ये बात इस वर्ष टैगलाइन में दी गई। साथियों, 31 मई को हम लोग तंबाकू नियंत्रण दिवस मनाते हैं, यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस। लेकिन अजीब बात यह है कि आज के इंसान को भोजन मिले या ना मिले, वो खैनी और गुटखा के सहारे पूरा दिन काट सकता है। दुनिया का अग्रणी तंबाकू निर्यातक है भारत, यानी कि कैपिटल है तंबाकू की। और कहीं ना कहीं हम सबसे ज़्यादा तंबाकू का सेवन ही करते हैं, यानी कि हम भारतीय। और ये हमारे लिए शर्म की ही बात है। 6,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा सरकार को सालाना प्राप्त होती है तंबाकू निर्यात से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम इससे बहुत ज़्यादा धन भी प्राप्त करते हैं, जिसमें कच्ची तंबाकू 4,173 करोड़ रुपए और सिगार चेरोट सिगरेट इसमें 1,830 करोड़ रुपए कमाते हैं। वहीं 4.57 करोड़ लोगों की रोजी रोटी चलती है तंबाकू उद्योग से। 100 से ज़्यादा देशों में तंबाकू निर्यात करता है भारत, लेकिन क्या सिर्फ यही पहचान है हमारी? भारत की 28% से ज़्यादा आबादी को धूम्रपान के अलावा गुटखा, खैनी और पान मसाले की लत है। और बड़ी बात तो ये है कि हमारे फिल्म स्टार भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तंबाकू का प्रचार करते नजर आ जाएंगे। वो करते तो हैं सिर्फ पान मसाले का, पान मसाला, लेकिन क्या सिर्फ पान मसाला ही खाया जाता? अलग से उसमें तंबाकू भी मिलाई जाती है। और जिन्हें शुरू में तंबाकू खाने का शौक होता है, पान मसाला खाते हैं, वो तंबाकू भी खाना सीख जाते हैं। हमारा दुर्भाग्य है, हम दुनिया में तंबाकू कैपिटल की पहचान बनते जा रहे हैं। और 28.6 प्रतिशत आबादी धूम्रपान के अलावा गुटखा, खैनी, पान मसाले का शौक रखती है। तंबाकू छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। देर से आती है समझ, फिर भी सबक नहीं। अक्सर तंबाकू का सेवन करने वाले देर सवेर समझते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और ये तंबाकू अगर जान नहीं लेगा तो कम से कम विकृत तो बना ही देता है। सबसे ज़्यादा मुंह से जुड़े हुए कैंसर के मामले हैं, जिसमें तंबाकू एक प्रमुख कारण है। ये लंबी सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से गुजरना होता है, जिसकी वजह से सब कुछ विकृत दिखने लगता है। 31 मई को हम लोग विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, तो हम लोगों को जागरूक करें, इसको छोड़ने में लोगों की मदद करें। इतने सख्त नियम हैं, फिर भी कारोबार कम नहीं है। कोटपा के तहत सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद 2023 के जरिए प्रचार, बिक्री और उत्पादन पर निगरानी रखी जा रही है। सरकार ने इस पर टैक्स भी बढ़ाया है। इसका प्रचार माउथ फ्रेशनर के रूप में किया जाता है शुरुआत में, जो भी तंबाकू से जुड़े उत्पादन। और 93% तंबाकू इन 4 राज्यों में पैदा होती है, उसमें सबसे ज़्यादा पहले स्थान पर गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश 23.08%, वहीं गुजरात में 47%, उत्तर प्रदेश में 12.23%। उत्तर प्रदेश में फरक्काबाद, कायमगंज, तो ये पट्टी है पूरी तंबाकू के लिए। और कर्नाटक में 10.38% तंबाकू का उत्पादन होता है। भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं उत्पादक देश भी है। 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ व पुडुचेरी में हुए वैश्विक तंबाकू सर्वे ने पुरुष के बीच उन उत्पादों के सेवन में कमी आने की प्रवृत्ति पता चली, लेकिन महिलाओं में धूम्रपान बढ़ने की प्रवृत्ति पाई गई। कल तो कोई कह रहा था ये जो यहाँ कोचिंग सेंटर हैं, कोचिंग हब हैं, वहाँ लड़कों के साथ साथ लड़कियाँ भी सिगरेट की धुएँ उड़ाते दिख जाएंगी। और किसान जो इस
के उत्पादन में जो किसान लगे होते हैं वो एक दिन में कम से कम 50 सिगरेट के बराबर निकोटीन ले लेते हैं अपनी त्वचा के द्वारा। त्वचा से सोखे गए निकोटीन से शरीर में विष फैल जाता है, तंबाकू के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, कैंसर, दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज जैसी जानलेवा बीमारियां। धूम्रपान करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, अतिरिक्त खतरों का सामना करना पड़ रहा है। अब तो आपको कानपुर जैसे शहर में महिलाएं भी धड़ल्ले से पान मसाला चबाती हैं, तंबाकू खाती हैं, सिगरेट पीती हैं। प्रतिकूल व्यवस्था के परिणाम महिला विशिष्ट कैंसर जैसे स्तन, गर्भाशय, ग्रीवा कैंसर और हृदय संबंधी जोखिम में वृद्धि हुई है और देश में कैंसर के सबसे ज्यादा मामले मुंह के हैं। तो साथियों, छोड़ दें, कुछ अच्छा अपनाएं, निश्चित ही आप इसमें सफल होंगे और हमारी पहचान तंबाकू राष्ट्र या तंबाकू कैपिटल के रूप में नहीं होगी। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए तंबाकू छोड़ें और जिंदगी से नाता जोड़ें।